तो यार और भाई भाई लोग क्या हाल चाल है सर का। मैच में फिर से एक नई वीडियो लेके, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो पिछली वीडियो थी वो आपने बहुत अच्छी रिस्पॉन्स दिया गाइस, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं इतनी लेट वीडियो डाल रहा हूँ। आजकल मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा क्योंकि भाई कॉन्ग्रा पुशिंग में मेरा बहुत टाइम चला गया भाई। मतलब कि इतने एक तो सबसे पहली बात हैकर मिलते हैं टॉप 100 की लॉबी में, और दूसरी बात भाई मतलब समझ लो 1700 से 1800 माइनस करवा चुका हूँ मैं अपना। अभी तक मेरे को गाइस एज भी होना था और इस समय मैं क्राउन 4 या क्राउन 3, और गाइस देख लो भाई मतलब कि क्या ही मैं सरवाइव कर रहा हूँ। तो यार मैं आपको इस लॉबी में बताने वाला हूँ कि सबसे अच्छी जहाँ पे मैं कैंप करके पहुँच रहा हूँ काम करें वो कैंप की जगह और कैसे क्या करना है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो गाइस मेरा प्लेन का रूट पता क्या कहते हैं 7 मिलिट्री बेस था। तो गाइस मैं आ जाता हूँ अपने बंदे को लेके प्रीमास, क्योंकि भाई सबसे पहली बात आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है अपने दिमाग में कि भाई आपको सबसे सेफ चले जाना, सबसे अलग चले जाना कि बंदा आपके पास आए ना और बंदा आपको मारे तो आपकी माइनस ना हो। क्योंकि भाई मेरी ऐसी ऐसी माइनस लगी है ना, इतने 9988 पॉइंट पर लगी है ना भाई, मतलब समझ लो भाई एक बार क्या तो मैंने होप ही छोड़ दिया था कि भाई करना ही नहीं है। बट कोई नहीं भाई, करना है होता है हर बंदे, जिस बंदे करना होता है वो तो कर ही लेता है गाइस। तो यहाँ पे मैं उतर जाता हूँ अपने बंदे के साथ अपने बंदे के साथ प्रीमोस, और यहाँ पे थोड़ी सी मैं गन में लूट करता हूँ। बट मेरे को यहाँ पे एके मिल जाती है और पैसन मिल जाती है पैसन, तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत लूट करूँगा और उसके बाद मैं देखता हूँ कि जोन कहाँ बनता है। आप खुद देख लो गाइस, आप खुद ही शौक हो जाओगे जोन देख के। पुणे पुणे फिर कैसे आप लोगों ने तो देख लिया होगा जोन कितनी दूर बनता है। इतने मतलब समझ लो भाई इतना आपके पास आइडिया होना चाहिए कि जैसे कि प्लेन का जो रूट है उससे भाई समझ लो 500-700 मीटर दूर चले जाओ, फिर वहाँ पे जाके लूटो। और गाइस इस समय लॉबी देख लो आप, मतलब कि पहले जोन में भाई बंदे ही नहीं मर रहे भाई, और लास्ट जोन में सबसे एंड जोन में 45-50 ऐसी लॉबी आ रही है, मतलब क्या ही बोलूँगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं लूट करता हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ मैं बंदों के ऊपर थोड़ा बहुत रश करने। प्लेयर चला हुआ नहीं तो इसमें मरे तो क्या होगा तुम्हारा। यार गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं रश करने वाला हूँ, ये मेरे से गलती हो गई क्योंकि गाइस बंदे इतने कम मतलब कि इतने ज़्यादा थे भाई, मतलब तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरा इतने समय में गाइस समझ लो माइनस होता 5-6, तो इसलिए मैं थोड़ा होल्ड कर लिया। तो गाइस यहाँ पे मेरी तो बिल्कुल एकदम फट के हाथ में आ गई थी, क्योंकि गाइस मैं ऊपर जा रहा था और बंदा ऐसे लेटा था जैसे कि इसकी नई सरवेली दुल्हन आ रही है इसके पैर छूने। गाइस इस बंदे ने कहते मेरी कहाँ फाड़ के लगती थी यार। Marked a location.